बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, अजीज़ों, जानने वाले ना जानने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों से मैं कुरान से अल्लाह की पसंदीदा हस्तियाँ कौन हैं, कि अल्लाह किसको पसंद करता है, वली दोस्त को कहते हैं, अल्लाह का दोस्त कौन है, वो ये कोई वरासती चीज़ नहीं है कि एक बड़े औलिया अल्लाह थे तो अब उनका बेटा भी उन्हीं जैसा होगा। हमारे यहाँ वरासत चलती है कि बड़े बुज़ुर्ग का बेटा भी बुज़ुर्ग बन जाता है, चाहे वो क्लीन शेव हो, वो लोग उसके पाँव चूम रहे होते हैं, जहालत है। तो आज मैं थोड़ा सा सूरह बनी इसराइल है, उसमें भी सारे अखलाक बयान हुए। मेरे भाई बहनों, ईमान लाने के बाद इंसान इंसान बनता है और उसके बाद उसकी कीमत, उसका बड़ापन, उसकी वजाहत, उसकी शराफत, वो पैसों से नहीं होती। पैसों से इंसान मालदार तो हो जाता है, बड़ा नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। हमारा इल्म गलत हो गया, बड़ा बड़ा बंदा जे बोल दिया त्रै मिलन ये 200 मुरब्बिन ये नवाबा फलाना है, नवाबा फलाना है। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत इल्म है। बड़ा वो है जिसे अल्लाह पसंद करे, बड़ा वो है जो मेरे नबी की ज़िंदगी के पीछे चले, बड़ा वो है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो आज एक तीसरी जगह से मैं कुछ बातें कुरान से अर्ज़ करूँगा जिनका ताल्लुक हमारे ईमान से भी है, अख़लाक से भी है। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैन एहसान इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वाग़फ़िर लहुमा जनाहज़ ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये बहुत बड़ा मज़मून है। अल्लाह ने कुरान भर दिया वालिदैन के खिदमत के लिए, वालिदैन की इताअत के लिए, वालदैन की मानने के लिए। पहला जुमला है और तेरे रब ने फैसला किया, एक मतलब। दूसरा, और तेरे रब ने हुक्म किया कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की है, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है। अब्द उसे कहते हैं जो हर बात पे सर झुका दे, अब्द उसे कहते हैं जो हर बात पे बिछ जाए, उसको अब्द कहते हैं। तो अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, मेरा एक फैसला है और मेरा एक हुक्म है, मेरे सिवा ना तुम्हारा हाथ किसी के आगे फैले, ना तुम्हारी गर्दन किसी के आगे झुके। एक दूसरे से मदद लेना, इसको एक दूसरे की तावनों में आ जाता, तावन वलल बिर व तक्वा, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की मदद करो। मेरे नबी कर्ज़ा उठाते थे, मेरे नबी जब इंतकाल हुआ तो आपकी ज़िरा 9 वसक पर, वसक 5 मन का होता है, तो वो जौ के बदले आपने ज़िरा रखवाई थी कि जब मैं तुम्हें अदा करूँगा ज़िरा ले लूँगा, और आपका इंतकाल हो गया, आप ज़िरा अपनी वापस नहीं ले सके। वो चीज़ें जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है और कोई नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैला। जैसे हम कहते हैं मदद, नुसरत, अल्लाह कहता मैं हूँ, अला इन्ना नसर अल्लाह करीब, सुनो मेरी मदद तुम्हारे करीब है। तो
अल्लाह ताबदु इल्ला इयाहु, बस एक छोटा सा जुमला अल्लाह ने यहाँ किया, चूँकि यहाँ अल्लाह ने वालदैन और अखलाक बताने थे तो अपने लिए सिर्फ एक जुमला बोला, बाकी बातें भी अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अल्लाह ने मेरी बंदगी, इस बंदगी से मुराद पांच वक्त की नमाज नहीं है, हज रोज़ा ज़कात नहीं है इसकी मुराद, ये सारी बातें दाखिल हैं। और इसके साथ 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी पर गुजारो, नफ़ा आए तो शुक्र अदा करो, नुकसान हो तो सब्र करो, बर्दाश्त करो, फिर भी शुक्र अदा करो कि मेरा रब ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है। अल्लाह के नबी ने अपने चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन आवास से फरमाया कि या ग़ुलाम, ए नौजवान, उसी कभी कलिमात फ़हफ़ज़ हो, मैं तुम्हें चंद बातों की वसीयत करता हूँ, क्या अहफ़ज़िल्लाह, अहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुकल्लाह, यहफ़ज़ुकल्लाह, अल्लाह के अवामर की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तो अल्लाह के अवामर इस्लाम हलाल हराम की पहचान करके ज़िंदगी गुजार, तो अल्लाह को हर वक्त तो अपनी मदद के लिए तैयार पाएगा। और लंबी हदीस है, बिना इशा की नमाज का वक्त हो रहा है, उसमें वो जुमला जो इस मेरे मज़मून से मुतालिक है, वैदा सअलता फसअलिल्लाह, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह है देने के लिए। वैज़स्तानता फस्तअइन बिल्लाह, और जब मदद के लिए हाथ उठाओ तो सिर्फ अल्लाह को पुकारो, जब ज़रूरत हाजत के लिए मदद के लिए हाथ उठाओ तो अपने अल्लाह को पुकारो। तो ये हदीस की बात भी है और ये कुरान की बात भी है। इसके बाद आगे अल्लाह कहता है वबिलवालिदैन एहसाना, और अपने वालदैन के साथ एहसान करो। एहसान का क्या मतलब है? अल्लाह आगे उसी की तशरीह कर रहा है। वैसे एहसान का मतलब अरबी में होता है, ये जो हमारा उर्दू का एहसान है, मैं तेरे एहसान की तुम्हें मैं नाले की कर रहे हैं, ये भी मतलब है, लेकिन एहसान का असल मतलब होता है एहसान हुसन से है, हुसन, हुसन से अलिफ़ दो अलिफ़ मिले और एहसान बन गया। एहसान का मतलब होता है किसी भी काम को जो दुनिया का है दीन का है उसे इंतहाई खूबसूरत तरीके से करना। जैसे किसी दुल्हन का मेकअप होता है ना, तो 5-6 घंटे 4 घंटे के बाद वो कहती है जो होती है उसका मेकअप करने वाली कि जी बस ये मुकम्मल हो गया है और अब इससे आगे नहीं है, तो आखिरी इंतहा, अच्छाई की आखिरी इंतहा पर पहुंच के काम करने को एहसान कहते हैं। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, अपने वालदैन के साथ वो करो कि जो भलाई की, खिदमत की, मानने की आखिरी हद है। सुभानल, और बिलवालिदैन एहसान, बिलवालिदैन पहले है, एहसान बाद में है। अल्लाह ताला ने बाकी सब को पीछे करके फरमाया कि देखो ख़ास तौर पे माँ बाप के साथ वो रवैया करो कि उनके दिल से दुआएं निकलें। चंद दिन पहले एक वालिद यूं हाथ उठा के कह रहा था अपने बेटे, इकलौता बेटा, मैं मंगना अल्लाह को लूँ, अल्लाह तेनू चाह लवे। बाप बेटे के लिए ये दुआ मांग रहा था और बेटा अकेला है, ये बद्दुआ बाप कर रहा था। तो भाई ऐसी औलाद ना बनो जिस माँ ने पेट में 9 महीने उठाया, फिर जन्ने की तकलीफ बर्दाश्त की। एक शख्स आया हज़रत उबैद बिन उमैर के पास के हज़रत मैंने माँ को अपने कंधे पे बिठा के पैदल हज कराया है, मीना ले गया, अरफात ले गया, मुजदलफा, फिर मीना, फिर मक्का, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? मैंने फरमाया वला तलक़तन वाहिदा, बेटा अभी एक तलका का हक भी अदा नहीं हो। तलका किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होने के का वक्त आता है तो माँ को दर्दों की लहरें उठती हैं,
वो इतनी खौफनाक होती हैं कि माँ चीख चीख के रह जाती है, और बाज़ औक़ात डिलीवरी लेट हो जाती है तो वो तड़पती है, रोती है। वो जो लहरें हैं ना पेट में आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, एक लहर जो दर्द की उठती है उसको कहते हैं तलका। मैं कुर्बान जाऊँ, उन्होंने फरमाया बेटा अभी तेरी माँ ने जो तुझे जना था उस वक्त जो तुझे दर्द तेरी माँ ने दर्द की लहरें बर्दाश्त की थी उसमें से एक लहर का भी हक अदा नहीं हुआ, यानी कि हक अदा हो ही नहीं सकता। ये मतलब कि हक अदा हो ही नहीं सकता कि बेटा अभी एक का भी नहीं। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से एक शख्स ने पूछा कि अच्छा ये जो आदमी था ये खुरासान ये ईरान में है और अफ़गानिस्तान में, यहाँ से माँ को पैदल कंधे पे बिठा के मक्के पहुँचा था, अंदाज़ा लगाया उसने कितनी मशक्क़त उठाई। और उबैदुल्लाह बिन उमैर कहते हैं बेटा अभी एक लहर का हक अदा नहीं हुआ। यही सवाल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से किया एक शख्स ने कि हज़रत मैंने अपनी माँ को हज कराया है, सारा मैंने पैदल कराया है और कंधे पे उठा के कराया है, तो क्या मैंने माँ का हक अदा कर लिया। वला ज़फ़रतन वाहिदा वला ज़फ़रतन वाहिदा, हाय हाय का बेटा तेरी माँ ने तुझे पालते हुए जो थक थक के लंबे लंबे सांस लिए होके भरे अभी एक होके का हक भी अदा नहीं हुआ, यानी हक अदा हो ही नहीं सकता। तो एहसान, एहसान के आगे तशरीह आ रही है। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, अल्लाह के वास्ते माँ बाप को दुख ना देना वरना अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। चंद दिन पहले एक बच्चा बच्ची मेरे पास आए, दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, कहेंगे हम शादी करना चाहते हैं। तो बच्ची ने कहा जी मेरे वालदैन नाराज़ हैं, वो नहीं इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है। तो मेरे बाप कहते हैं अगर तूने यहाँ रिश्ता किया तो तेरी मेरी एक दरमियान एक ख़त आए खिंच जाएगा खलीज, हम उस पार नहीं आएंगे तो इस पार नहीं आएगी। मैंने कहा बेटी जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में पाला, 2 साल तुझे दूध पिलाया, तेरी पोटियाँ पेशाब साफ़ किया, तुझे पैम्पर बांधे, तुझे उठ उठ के रातों को अपनी छाती से दूध पिलाया, क्या अब उसका इतना भी हक नहीं कि तुम उसकी राय का एहतराम करो? इतना भी हक नहीं है? तो मैंने कहा बेटा मेरी कोई राय नहीं है, तू अगर तेरे माँ बाप राज़ी हैं तो बिस्मिल्लाह ज़रूर कर, अगर राज़ी नहीं है तो देखो मौत तक तुझे माँ बाप की दुआ नहीं मिलेगी, और माँ बाप की दुआ ना मिली तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाइयों दोस्तों, ख़ास तौर पर आज के कॉलेज के नौजवान बच्चे बच्चियाँ ये माँ बाप के साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं, चूँकि इसमें वालदैन का पहला कसूर है कि उन्होंने उनको दीन नहीं सिखाया। बचपन में इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर ओ लेवल, फिर ए लेवल, तो उन्हें क्या पता माँ कौन है बाप कौन है। एक पुरानी बात है, एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया, कह ये मेरा बच्चा है और ये फलां जगह शादी करना चाहता है और हम में से किसी की राय नहीं है और ये मानता नहीं है, और उसके साथ उसने ना धाड़े मार के रोना शुरू किया। तो मैंने बच्चे को देखा तो यूं करके बैठा था, उसका बाप रो रहा है, हिच क्यों तो ऐसे बैठा हो? तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा शेख साहब इसको कहाँ पढ़ाया था? कहा जी अमेरिकन स्कूल। उनका उसके बाद कहा जी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजा था मज़ीद तालीम के लिए। उनके शेख साहब इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है, इसको तो पता ही नहीं मेरी माँ क्या है मेरा बाप क्या है। एक हमारी तहजीब थी वो ख़त्म हो गई है, उसमें इल्म नहीं भी था तो माँ बाप का मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने अपने दादा को देखा लेकिन मैं याद नहीं, लेकिन जो मेरे दादा के छोटे भाई थे उनको मैं संभलता हूँ, उनको मैंने देखा है। तीसरी चौथी जमात तक में था, 61 में उनका इंतकाल हुआ, मेरी 9 साल उम्र थी, तो 8 साल उनके बेटे जवान थे,
और डेरे में जब वो बैठते थे तो उनके बच्चे उनके सामने नहीं बैठते थे, उनकी पीठ के पीछे बैठते थे। इतना अदब, हालांकि चारों के चारों दीन नहीं जानते थे, तहजीब थी, सकाफत थी, जो आज की तहजीब ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब भी आप जाओ बेटा थरपारकर में, मैं गया हूं 2-3 दफा, और वहां मुसलमान ने हिंदू औरतें जब गाड़ी गुजरती है तो घूंघट को नीचे कर लेती हैं, अपना चेहरे को फौरन छुपा लेती हैं। तो खैर बहरहाल, मैंने कहा शेख साहब इस बच्चे का कसूर नहीं, आपका कसूर है। तो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनका राजी होना अल्लाह की रजा है। मैं इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, आज मैं सिर्फ इतना ही मैंने तमहीद बांधी है कि माँ बाप का क्या मकाम है, उनकी क्या इज्जत है। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। आपने कहा बुलाओ, चूँकि बच्चे का ज़ाती माल अगर हो तो शरा के लिहाज से बाप पूछ के इस्तेमाल करे, बग़ैर पूछे इस्तेमाल ना करे। जब उसे पता चला कि मेरे बेटे ने शिकायत की है, तो अरब की शायरी तो मशहूर थी, उन्हें दिल दिल में कुछ अशार पड़े। जो आया तो जिब्रील पहले आ गए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इससे पूछें वो शेर बताओ जो तेरे कानों ने तो नहीं सुने, तेरे दिल में आए थे और अल्लाह ने सुन लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई तेरा इंशाल्लाह केस सुनते हैं, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तुमने तो नहीं कहे ज़बान से पर अल्लाह ने सुन लिए हैं। तो फिर उसने वो अशार पढ़े और उसके आगे क्या हुआ ये मैं इंशाल्लाह अगले क्लिप में बताऊंगा कि बाप का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।